सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के थाना समसौवा क्षेत्र से आई है। जनपद आगरा के थाना समसौवा क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी एक्शन में आई आगरा पुलिस। क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद के नेतृत्व में अबकारी निरीक्षक और थाना अध्यक्ष ने पुलिस टीम के साथ की छापेमारी। छापेमारी को देख अवैध कच्ची शराब बनाने वालों में मची अफरा तफरी। 30 लीटर कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करीब 700 लीटर लहन को भी नष्ट किया गया। सरकारी शराब के ठेकों का निरीक्षण किया गया। शराब के सैंपल लिए गए। थाना समसौवा क्षेत्र के कंस टीला और नगला सूरजवान में की पुलिस ने छापेमारी। आगरा से हमारे सहयोगी दुष्यंत उपाध्याय की खास रिपोर्ट। और आगे क्या ये अभियान के तहत कार्रवाई जारी रही? हाँ, ये अभियान चलाया जा रहा है। जो भी लोग अवैध शराब बनाते हैं या अवैध शराब रखते हैं या इस तरह के धंधों में लिप्त हैं, उनकी सूची हम लोगों ने बनवा ली है और उनके विरुद्ध स्ट्रेटजी बना के क्रमबद्ध रूप से कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में आज हम लोग समसाबाद थाना अंतर्गत कंसटीला और नगला सूरज भनवार यहाँ पे आए हम लोग, और यहाँ पे जो परंपरागत रूप से जिनके पहले नाम प्रकाश में आए उनके यहाँ छापेमारी की गई। उसमें एक व्यक्ति पकड़ा भी गया है जिसके पास 30 लीटर शराब बरामद हुई है। अलग 500-600 ग्राम जो लहन है वो नष्ट भी किया गया है। और जो ठेके हैं, सरकारी ठेके हैं, उनकी भी आबकारी विभाग के संयुक्त रूप से आबकारी निरीक्षक साहब साथ में हैं, उनके सैंपलिंग भी ली गई है ताकि उनके सैंपल में कोई गड़बड़ी पाई जाए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कल हम शराब के जितने भी ठेके हैं सबके खुलने का समय 10 बजे सुबह से लेकर 10 बजे रात तक है, और समय से पूर्व अगर कोई व्यक्ति खोलता है तो वो नियमों के अंतर्गत वो काम नहीं कर रहा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। हम लोग निरंतर चेकिंग करते हैं, समय से पहले भी चेकिंग करते हैं, समय के बाद भी चेकिंग करते हैं, और अगर कोई दुकान खुली हुई पाई जाती है तो उनके खिलाफ जुर्माना हमारे यहाँ है, धनराशि जमा की जाती है। और दुकानों पर जो भी अवैध शराब बेचने की ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, अभी हमारे यहाँ फतेहाबाद शहर में एक अंग्रेजी शराब की दुकान, उसको उसके विरुद्ध कार्रवाई हमने किया, और दूसरा एक दुकान थी नगला सबला, वो डौकी में था, उसको किया। नगला सबला दुकान को डीएम साहब ने, लाइसेंस प्राधिकारी ने निरस्त भी कर दिया। उस मामले में दोनों दुकानों के लाइसेंसी और उनके सेल्समैनों को जेल भी भेजा गया, आईपीसी की धाराएं भी लगाई। तो जो ऐसी शिकायतें मिल रही हैं उनमें संज्ञान लिया जा रहा है, उनके खिलाफ